press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का प्रोग्राम कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे, जरा मिलके ये वीडियो देखते हैं। वीडियो में आप सबने देखा कि एक जो गर्ल है वो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है इनर वेयर्स में है, कपड़ों में है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी, बैकग्राउंड देखें। फिर से ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। तो हमने बैकग्राउंड में ये देखा है कि वहां पर सबने हिजाब पहना हुआ है, प्रॉपर जो है पर्दे में है, सिर्फ एक लड़की जो है जो पर्दे में नहीं है और वो जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल है और ये ईरान के जो कैपिटल सिटी तेहरान से की वीडियो है और हिजाब के मामले को लेके एक दफा फिर से ईरान के अंदर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे साथ शो पर मौजूद है नाजिया अली खान, इनसे बात करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि 2022 के बाद माशा अमीनी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और आज हम 2024 में है, स्टिल एक जंग है ईरान में, बैड हिजाब, गुड हिजाब, बैड वुमेन, गुड वुमेन, इस पे हम बात करेंगे। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी हैं। नाजिया जी को वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच नाजिया जी इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शैला मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी इस दुनिया में, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं या भारत नहीं या दिल्ली नहीं, इस दुनिया में जहां पर भी महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कई ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि नाजिया बैठे और इसको एक्सप्लेन करें। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दृश्य हमें देखने को मिला था और लड़की बिल्कुल आजाद और यौन करती हुई, उबासियां लेती हुई वो टहल रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती, क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती। देखिए ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे, सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू, आप होते कौन है हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन है कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राबता ही नहीं मिला है, आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। अब आते हैं ईरान के बारे में, जानते हैं कि क्या ईरान पहले से ही इतना कट्टर था, क्या ईरान में पहले से ही गुड हिजाब और बैड हिजाब था, क्या ईरान में पहले से ही औरतों को इतना ज्यादा एड़ियों के नीचे कुचला गया था। तो अब इसके इतिहास को खोलते हैं। ईरान जो कई बार उजड़ा फिर कई बार बसा, ईरान जिस पर कभी पारसियों का एक बहुत बड़ा हक हुआ करता था, ईरान जो अब पिछले कई डेकेड से शिया कम्युनिटी के पकड़ में है
और हमेशा अपनी कट्टरता से, अपनी आतंकी सोच और विचार से, विचारधारा से हमेशा चर्चे में रहता है। ईरान जो पिछले कई डेकेड से शियाओं का गढ़ बना हुआ है, और अपने ईरान जो के शिया मुस्लिम देश ही हम कहेंगे, क्योंकि अब वहां पर तो सुन्नी को रहने नहीं दिया जाता है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आकर जब मुसलमान सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ करके एक होते हैं, और मुसलमान के लिए सिर्फ एक ही किताब है, वो है अल कुरान, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरब और ईरान कभी एक नहीं हो पाया? हमेशा एक ऐसी जंग अरब और ईरान में रही जो किसी किसी के भी वजह से कन्फ्रंटेशन हो जाए, टेबल टॉक हो जाए, कभी भी वो दोस्ती में नहीं बदल पाई। ईरान और अरब को हम यूं देख सकते हैं मानो जैसे सांप और नेवला की लड़ाई। जैसे सांप और नेवला कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से अरब जो सुन्नी कम्युनिटी से भरा पड़ा है और ईरान जो शिया कम्युनिटी से भरा पड़ा है, दोनों कभी भी एक नहीं हो पाए, कभी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 1950 में जाए, 1936 में जाए, और उसके बाद फिर 2024 में आए, तो आज भी वही का वही ईरान पड़ा हुआ नजर आता है, सुन्नी और शिया वाला। अच्छा, जहां एक तरफ ईरान अपने नफरती बयान, आतंकी सोच, इस्लामिक कट्टरता की वजह से पिछले कई जमाने से, डेकेड से हम पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर रहता है, वही ईरान मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपा करके नहीं रख पाया। एक तरफ ईरान के नौजवान ने जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया इस्लामिक कट्टरता की वजह से, तो उन्होंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे, वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। अब ये चीज सॉल्व करने, इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत पीछे देखते हुए, टूरिज्म वहां पर जाना नहीं चाह रहा था, और हर एक बार कोई ना कोई एक उनके ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा था। कभी नौजवान, कभी जो शिक्षा लेने वाले थे वो शिक्षक होना चाहते थे, लेकिन ईरान के जो मजहबी कट्टरपंथी थे वो चाहते थे कि नौजवान मदरसे जाए, नौजवान मस्जिद जाए, नौजवान यूनिवर्सिटी ना जाए, नौजवान ना जाए, नौजवान कॉलेज ना जाए, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को ना पढ़े। बस ये विरोध नौजवानों के दिल में उबलता रहा, और 2020 और 21 में हमने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जिसमें ईरान की मोर देन 68% मस्जिदों पर ताला लग गया। इस दर्द से ईरान और मजहबी कट्टरपंथी अभी उभरे भी नहीं थे, और मजहब के ठेकेदार जो इस्लाम के रिचुअल रीति रिवाजों में मुसलमान बेटियों को वहां पर बलि चढ़ा रहे थे, जैसे निकाह मुत्ता, निकाह मसियार, ईरान में सबसे ज्यादा ईरान में होता है। और इसी के दौरान में जब अल जजीरा और बीबीसी ने विक्टिमाइज्ड निकाह मसियार और निकाह मुत्ता की विक्टिमाइज्ड महिलाओं के साथ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाना स्टार्ट किया, तो जनता बिलीव नहीं करेगी, व्यूअर्स बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जाकर के गूगल में सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के रिपोर्टर्स को और अल जजीरा के रिपोर्टर्स को कैमरा छुपा कर लेकर जाना पड़ता था, और अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि ईरान विक्टिमाइज्ड महिलाओं का स्टेटमेंट नहीं लेने देता था। तब जाकर के पता चला कि ईरान में ये मजहबी कट्टरता के पीछे बेटियों का सौदा हो रहा। इस मजहब के कट्टरता को सामने रख करके अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक कट्टर मजहबी बताने वाला ईरान पीठ पीछे क्या कर रहा था? निकाह मसियार और निकाह मुत्ता के नाम पर मुसलमान बेटियों को सरे बाजार बेच रहा था। निकाह मसियार और निकाह मुत्ता शैला यूं हो रहा था जैसे सूरज निकला तो निकाह हो गया, और चांद निकला तो तलाक हो गया, बस यूं हुआ रहता था। वक्त की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता ना कि इतने टाइम के लिए अब शादी है। एग्जैक्टली मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात, मर्द अपनी जिस्मानी सेक्सुअल डिजायर्स, मर्द अपने बीवी से दूर रहने के फासले को कैसे सॉल्व किया करता था। ईरान में निकाह मुत्ता करके जो कुछ घंटों का निकाह हुआ करता था, निकाह मसियार करके
जो कुछ महीनों का निकाह हुआ करता था, निकाह मुत्ता जिसमें थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज मर्द पर होती थी, और निकाह मसियार जिसमें कोई लाइबिलिटीज होती ही नहीं थी। तो सफर में जाने वाले मुसलमान मर्द और तिजारत पे जाने वाले मुसलमान मर्द ईरान में इन्हीं निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के के अंदर जा करके वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा किया करते थे। और वो कब गायब हो जाते थे, कब गायब हो जाते थे, ये ईरान की महिलाओं को पता भी नहीं चलता था कि मेरा शौहर, मेरा काविन, मेरा मिजाजी खुदा कहाँ चला गया। और ये बात कई ईरान की मुसलमान बेटियों ने रो रो कर सुनाया, कई ईरान की मुसलमान बेटियों ने कलप कलप कर सुनाया। और तब जाकर के ये बात पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर आई कि ईरान में ये हो रहा है। और उसके बाद फिर ईरान की इकोनॉमिकल पावर, डिफेंस पावर, मिलिट्री पावर, एडुकेशन सिस्टम, टूरिज्म सिस्टम, सब कुछ ध्वस्त होता चला गया और हमने ईरान को जुप करके नीचे आते हुए देखा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की ईरान की उस लड़की की जिसने मजबूरी में आके प्रोटेस्ट करते हुए अपने कपड़े पीस सड़क में उतार दिए क्योंकि वो परेशान है इस्लामिक कट्टरपंथ से। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।